हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर फ़ोन यूज करते हैं तो आप अपने जो लिखा हुआ है यानी कि आप देख पा रहे हैं तो इसे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आज की वीडियोस में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जेट फॉन्ट 3। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। आपको लिखना है जेट, उसके बाद में फॉन्ट ओ एन टी फॉन्ट 3। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से नीचे से ऊपरी तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके सामने जो भी लिखा हुआ आया तो उसमें कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी किस कलर का होना चाहिए। इसके बाद में आप इमोजिस स्टाइल, ठीक है, तो आप यहाँ पर सी आल पर सिंपली क्लिक, जैसे ही आप इतना क्लिक कर देते हैं आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट्स आ जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता है वो फॉन्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस वाले फॉन्ट को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको यहां पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल गया है, डाउनलोडिंग पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अप्लाई के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, आप यहां पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ऑटो पहले ऑप्शन पर। ठीक है, उसके बाद में चेंज फॉन्ट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल गया है तो आपको अप्लाई कर देना है, ओके पे ओके कर देना है, उसके बाद में आप बैक कर देंगे। ठीक है, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है हमारे फ़ोन का लुक कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप व्हाट्सएप में भी जाएंगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पर अक्षर चेंज हुए मिलेंगे, और आप यहां पर और भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट के लिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।